जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे। यह बताता है कि वह भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वो भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मैं मानता हूं।